बहुत से स्टूडेंट्स सैलरी चैप्टर पढ़ते हुए ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि कोई पर्टिकुलर आइटम अलाउंस है या फिर परक्विजिट है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं एंड उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं अलाउंसेस, क्या होते हैं परक्विजिट एंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। याद है बचपन में घर वाले कुछ पैसे देते थे कि जा बेटा जाके स्कूल या कॉलेज कैंटीन से जाके कुछ खा लेना, तो इस केस में घर वाले आपको डायरेक्टली पैसे देते थे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और अ स्पेसिफिक रीजन। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था जहां पे आप अपनी जेब से खर्च कर देते थे एंड लेटर फिर घर जाके जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो आप उनसे मांग लेते थे। इस केस में खर्चा आप पहले कर चुके होते थे, बस आप उनसे रीइंबर्समेंट मांगते थे जितना आपका खर्चा हुआ था। एंड फिर आता है घर का खाना, ना ही पैसा मिलता है खाने का और ना ही कोई रीइंबर्समेंट का चक्कर, इसमें कोई मॉनेटरी एलिमेंट मिला ही नहीं होता। ये तीन केसेस ही एक्चुअली में अलाउंस, मॉनेटरी परक्विजिट एंड नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को पैसे देता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और अ स्पेसिफिक रीजन तब उसे अलाउंस बोला जाता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। अब उसका आप कितना खर्च करते हो या उसको कितना सेव करते हो, ही इज नॉट बॉदर्ड। फॉर example, फूड अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। और वहीं अगर ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अपनी जेब से खर्च करता है शुरू में एंड मंथ एंड में अपने एम्प्लॉयर से उसका रीइंबर्समेंट ले लेता है, मेरे पैसे मुझे अभी के अभी वापस चाहिए, तब हम उसे मॉनेटरी परक्विजिट बोलते हैं। परक्विजिट इसलिए बिकॉज वो एक फैसिलिटी है एंड क्योंकि उसमें रीइंबर्समेंट इन्वॉल्व्ड है, यानी एक मनी फैक्टर इन्वॉल्व्ड है, इसलिए उसे मॉनेटरी परक्विजिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूड रीइंबर्समेंट्स हो गई एंड जब एम्प्लॉयर ही ये फैसिलिटी खुद से दे रहा हो तो उस केस में पैसे का लेना देना तो है ही नहीं, वो प्योरली फैसिलिटी ही हो गया विदाउट एनी मनी इन्वॉल्व्ड, तो इसलिए इसको नॉन मॉनेटरी परक्विजिट बोलते हैं। एग्जांपल फूड फैसिलिटी, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप किसी भी आइटम को क्लासिफाई कर सकते हो एज अलाउंस, मॉनेटरी परक्विजिट या नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।